लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। पानी गर्म है कि ठंडा? नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठंडा भी नहीं। ये जो लोहरी होते हैं ना, ये कमाई नहीं देते। कमाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे जी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अभी माशाल्लाह से जी अभी हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं और अभी नहाने खाने के लिए ना एक हमने सिस्टम लगाया था, कल का टूबल बंद था तो हमने कहा टूबल जी ऑन किया जाए ताकि यहाँ पे ना नहाया जाए। ये देखें ब्रो तैयारी शारी कर रहे हैं जी, इधर टूबल चल रहा है जी। और ये मतलब बड़ी बात है कि ये सोलर पर चल रहा है, यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया है ताकि इजीली जी सारा कुछ चलता रहे, सारा दिन चाहे चले। तो प्रो सब इस वक्त रेडी हो चुके हैं नहाने धोने के लिए, मजे से करने लगे हैं। साथ ये गन लगा हुआ जी, गन्ने लगे हुए हैं। तो ट्राई अब हमारी ये भी है कि आज गन्ने भी खाएं हम। तो फर्स्टली हम इधर चलते हैं जी, उसके बाद बाशी yes! कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। पानी गर्म है कि ठंडा? नॉर्मल है, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं। हाँ जी, ना ठंडा ना गर्म है। हाँ अजमल, तुम नहीं नहा रहे? गन्ने पहले गन्ने खाओगे? ठीक है जी। तो जी गन्ने खाने के बाद ये कह रहा है कि मैं नहाऊंगा। सर्दी वैसे है, वैसे इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि पानी जो ना वो नॉर्मल है उसका टेम्परेचर। तो जी मजे वाली जो बात है वो ये है कि हमें आज किया है, शेख साहब ने ज्वाइन किया है। शेख साहब आप पहुंचे हैं तो शेख साहब आप इंटर करवाते हैं। तो शेख साहब क्या हाल है, कैसी तबीयत है? शेख साहब बस सीरियस हो गए कैमरे के सामने। शेख साहब इसके बारे में क्या रिमार्क देंगे ये बंदे के बारे में? नहीं, ये माय बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा है, बहुत अच्छा दोस्त है ये हमारा। ठीक है ना, तो हमने जो है ना बचपन से ही ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो अभी भी टाइम स्पेंड हो रहा है साथ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत जबरदस्त टाइम स्पेंड हो रहा है। माय बेस्ट फ्रेंड है ये। हाँ ये शुरू से साथ है, बड़ा मजा एंजॉय करते रहे हैं। अभी दोनों नहाएंगे इधर, खेलते भी हैं। ले गाइस, आज वो कहावत पूरी होने लगी है, गई भैंस पानी में तो ये जाने लगी है। चलो जी शुरू करो। ले जी आबिद आज नहाने लगा है और आज वो मिसाल पूरी होने लगी है, गई भैंस पानी में। गई कई सालों से पूरी ना हुई थी। हाँ जी, और ये आज होगी है। अभी लगता है पानी के साथ मुजाकरात ही हो रहे हैं क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा है। अच्छा पानी। अब इस वक्त गए हैं ट्यूबवेल के अंदर और पानी कह रहा मुझे बाहर भेज दे। वाशी ऐसे है कि नहीं है? पानी भी कह रहा मैं वापस करना, मैं नहीं रहना इधर, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं रहना इधर। A few moments later. So, जी इस वक्त हम मौजूद है जंग सदर के पास जो बाजार है मेन का वो। तो यहाँ वहाँ से हम निकले थे जिस एरिया में हमने स्टे किया हुआ था, वहाँ से यहाँ पे आ गए थे। और इधर से मैं ना आपको दो चीजें मजे वाली बता देता हूँ कि दो कौन सी चीजें भाई के साथ इंसिडेंट हुआ है। ये देखें भाई साहब हमारे साथ शहजादे, असल में इनके साथ ना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ जो आपने खिलौने शिलौने लिए हैं भाई ने क्या कहा आपको? भाई कहते हैं कि ये जो लोहरी होते हैं ना ये कमाई नहीं देते। कमाई नहीं देते भाई के साथ, बड़ी मुश्किल बार्गेनिंग करके जी हमने ये सामान लिया। और जी डिफरेंट जो भाई ने एक और यहाँ पे बाजार से ना फाइंड किया है ना वो सब्जियों के बारे में, तो सब्जियों के बारे में हम इनसे पूछते हैं। हाँ जी शेख साहब, सब्जियों का क्या है, सब्जियों के बारे में क्या है तेरा? देखिए जी जब हम गढ़ मोड़ थे तो उधर से हमने टमाटर के रेट का पता किया तो उन्होंने बताया 200 रुपये किलो। ठीक है, अच्छा। एक दुकानदार से पूछा, उसने 150 बता दिया। अब जब हम इधर जंग बाजार में आए हैं, ठीक है, तो इधर से हमने पता किया टमाटर 160 रुपये किलो। देखिए जी ये क्या हो रहा है, ये खुद ही हुकूमत जाने और इनके काम जाने। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मुझे ये बताओ आपको ये लगता है कि डिफरेंट तीन रेट से आपको मिले हैं, एक जहाँ से आपको बिल्कुल सस्ता वाला मिला है,
तो लाहौर की नस्बत यहाँ पे क्या सूरत है, वहाँ लाहौर के ज़्यादा है रेट नहीं है यहाँ के? लाहौर के सर मैं आपको असल में बात बताऊँ, जो लाहौर के रेट है ना, हाँ, वो 22 लाखों से कभी भी नहीं मिल सकते। अच्छा, वो ज़्यादा महंगी है? ज़्यादा महंगे हैं वो। तो फिर आपको यहाँ पे 160 दें या 100 दें तो वो तो आपको खुश होकर लेना चाहिए। जी जी सर, वो हमें जो है ना वो 160 रुपये किलो इधर से मिल रहा है ना। आज मैंने सुबह मांगा मंडी से पता करवाया वो टमाटर के रेट का, तो उन्होंने बताया 230 रुपये किलो। तो मेरा ये इसराब करो ना, आप यहाँ से टमाटर ले जाओ। तो अभी जी हमने बाजार के अंदर काफी ज्यादा ना मतलब घूम लिया है, तो अभी हमें ना कोई हकीम की दुकान नहीं मिल रही, क्योंकि भाई साहब को ना हकीम की दवाई भी चाहिए। हकीम ने स्पेशली कहा है कि दवाई में मैं टमाटर जरूर डालने हैं, टमाटर का रेट पूछना है, क्योंकि लाहौर वाले हकीम ने से कहा है कि टमाटर ज्यादा खाने हैं, इसलिए जहाँ जाके टमाटर के रेट पूछना है। और दूसरा इसे अभी ना हकीम की दुकान अभी यहाँ से ढूंढनी है, कोई मिल नहीं रही हमें, जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, क्योंकि आगे हमारा जो ना डेवो के ऊपर सफ़र है, और डेवो जो है ना वो 8 PM पे निकलेगी, ऐसी है 8 PM पे निकलेगी ना, 8 PM पे निकलेगी, तो उस ऑर्डर में हमने बुकिंग भी करवानी है, एडवांस में करवानी करवानी अभी ये भी करवानी है, अभी करवानी है जी, निकलने का भी पहले के अभी हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है, तो इस वजह से पहले हम हकीम ढूंढेंगे, फिर आगे और कोई काम करेंगे। तो ये जी बाजार है यहाँ पर, जबरदस्त मिल गई है। तो जी अभी हम जंग अयूब की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है जंग के अंदर ना, तो वहाँ पे है इस वक्त, और यहाँ की जो हमने पता चला ना कि सबसे मशहूर जो चीज़ है ना वो हलवा है, तो ख्वाजा का हलवा बोला जाता है कि वो ज़्यादा मशहूर है, वो बिल्कुल सामने हमारे वो ख्वाजा स्वीट्स, और एक ये जन्नत स्वीट है, जन्नत है, तो ख्वाजा से पता करते हैं जी कौन सा हलवा है, किस तरह का टेस्ट है, वो पहले करते हैं कि जो यहाँ की मशहूर चीज़ है वो देखते हैं। ये है जी ख्वाजा की स्वीट बेकर्स, जैसे दी थी ना वो शेख साहब ने दी थी, तो शेख साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में? यहाँ का जो मशहूर चीज़ है ना वो सोन हलवा है, ठीक है, ख्वाजा वालों का, तब अभी हम उनके पास आए। इसके अलावा कोई और चीज़ भी यहाँ पे मशहूर है? हाँ जी, इनके इसके अलावा सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं इधर। शेख साहब सब्जियों का रेट हर सब्जी वाले से पूछते हुए आए यहाँ पे, तो अभी चलते जी अंदर। जी आ गई ख्वाजा शॉप, तो यहाँ से हम पैकिंग करवाएंगे हलवे की। जी अभी हमने इनसे पूछा है कि हलवा पर केजी क्या है, उन्होंने बताया कि 1150 रुपये केजी है हलवे की। शेबा को दिखाते हैं, ये देखें सर इसकी क्वालिटी, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, हमने टेस्ट किया। अच्छा, मैंने टेस्ट, तो ये है जी, इसको करवाते हैं पैकिंग हम। भाई को हमने दे दी है जी यहाँ पे ऑर्डरिंग कर दी है, और भाई रेडी कर रहे हैं जी, ये देखें। तो अभी जी हम टेस्ट करते हैं, तो अभी जी हमने हलवे का टेस्ट किया, पैसों ने हमें हलवे का टेस्ट करवाया, तो बाकी जिस तरह हमने सुना था ना वैसे सेम एज इट इज़, क्योंकि बाकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा। पैकिंग की जा रही है, तो जी वहाँ से अपने ख्वाजा तो ले लिया है हलवा चलवा, और अभी आए आज जन्नत की, ये इधर से जी मशहूर कुल्फी है इनकी, तो कुल्फी खाएंगे इधर से टेस्ट करेंगे। तो जी बेसिकली अभी हमें ना कुल्फी लग चुकी है, क्योंकि टाइम हो चुका है डिनर के टाइम हो चुका है बेसिकली, तो अभी यहाँ से लाहौर के लिए सफ़र करने से पहले ना हमें कुछ खा लेना चाहिए, तो अभी रस्ते में ना बाबा रिच पिज़्ज़ा वगैरह आया है यहाँ पे, इनका टेस्ट करते हैं जी इनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि अभी हमें यही वाली पॉइंट ना अच्छा लग रहा था, तो अभी यहाँ पे जी चलते हैं अंदर और पिज़्ज़ा शिज़ा ऑर्डर करके पिज़्ज़ा का टेस्ट करते हैं। अभी एक एमरजेंसी बन गई है, जिस गाड़ी में हमने जाना था ना वो टाइम है 7:30 का, और लास्ट टाइम है वो, उसके बाद जहाँ से लाहौर के लिए गाड़ी नहीं जाने वाली, तो जो हमारा पिज़्ज़ा रखा हुआ था वो अभी बंद है, तो हमारी खुशी होगी हमें जैसे वो बने हम यहाँ से उसको पैकिंग में करवाएँ और घर में जा बैठ खाएँ। अभी सूरत हाल बनी हुई है, ये देखें जी भाई साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि काइंडली थोड़ा सा फास्ट भी कर दें ताकि हम जा सकें। जी जी ये आ गया जी, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुकिंग है, और अब खाने के बाद इसके टेस्ट का रिव्यू भी करेंगे हम इंशाल्लाह। इनकी शॉप का रिव्यू है पैकिंग मिस्टर बबरिच, और ये जी स्पेशल इनका हमने करवाया था एक्स्ट्रा लार्ज। जी अभी हम पैकिंग करवा के लेके आ गए हैं पिज़्ज़ा, और बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल रेडी है जी, पार्सल वाली किस गाड़ी थी, यहाँ पे जाएंगे हम
गाड़ी शाड़ी फुल रेडी थी, उन्होंने भाई ड्रा के रखा हुआ था कि आप ना आए तो हम निकल जाएंगे, जो चलते हैं अंदर। बाशी किधर हो भाई? अरे जी गाड़ी के अंदर हम तो आ चुके हैं, चलते हैं आगे। सेटिंग हमने कर दी है और गाड़ी चाटी आई थिंक तो फिल हो चुकी है और आगे वाली सीटें कुछ कम है और गाड़ी बिल्कुल रेडी यानी कि लगी हुई थी, बस निकलने के लिए तैयार थी। तो हम टाइम पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे जी यहीं पे, तो साथ साथ शेक इंजॉय करेंगे एंड ट्रैवलिंग विद ट्रैक। तो ये शेख साहब भी आ चुके हैं। शेख साहब, शेख साहब क्या हाल है, सीट कैसी लगी आपको? जबरदस्त सीट लगी है, ये वाली अच्छी थी कि जो आपकी वापसी आने वाली वो अच्छी थी? तो जी गाड़ी शाड़ी अभी उन्होंने रेडी कर ली, सारी जो सीट थी वो फिल हो गई हैं और अभी बस निकलने की तैयारी है। इससे पहले पिज़्ज़ा शीज़ा ओपन हो गया है, पिज़्ज़ा शीज़ा साथ खाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पिज़्ज़ा देखो ज़्यादा लगी हुई है।